अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कोफ्ते बनाने की रेसिपी, वो भी दो तरीके से। कुछ कोफ्ते हम सिंपल बनाएंगे और कुछ कोफ्ते हम नरगिस कोफ्ते बनाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने 1/2 kg बारीक पिसा गोश्त लिया है। इसे हमने पानी से वॉश करके छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। कोफ्तों में ऐड करने के लिए हमने 2 स्पून लहसुन अदरक की चटनी ली है, आप पिसी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कट किया हुआ, 4-5 बारीक कट की हुई हरी मिर्च, 3 स्पून पिसे चने लिए हैं। अगर आपके पास चने नहीं हैं तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े बर्तन में गोश्त को ट्रांसफ़र कर देते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे प्याज, हरी मिर्च, चटनी, पिसे चने, नमक। हम यहाँ पर 1 स्पून नमक ऐड करेंगे। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम से ज़्यादा रख सकते हैं। सभी फ्लेवर्स को अच्छे से मिक्स करना है। सिंपल कोफ्ते तो आसानी से बन जाएंगे, बट कुछ गोश्त को हम मिक्सी में थोड़ा चलाएंगे ताकि गोश्त में जो प्याज और हरी मिर्च हैं वो बारीक हो जाए और नरगिस कोफ्ते बनाना आसान हो जाए। सभी फ्लेवर्स को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सभी फ्लेवर्स मिक्स हो चुके हैं, अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन मुताबिक छोटे बड़े साइज़ के कोफ्ते बना सकते हैं। सभी कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं, अब हम कुछ कोफ्ते नरगिस कोफ्ते बनाएंगे। इसके लिए हमें अंडे चाहिए और हमने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं और अंडों को हमने ऑलरेडी बॉईल कर रखा है। नरगिस कोफ्ते बनाने के लिए हम कुछ गोश्त को अपने हाथों में फैलाएंगे और बीच में अंडे को अप्लाई करेंगे और चारों तरफ से उसे कवर कर देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी करेक नहीं होना चाहिए। खूब अच्छे से इसे मिला लेते हैं, हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से कवर कर लेते हैं। नरगिस कोफ्ते भी बहुत आसानी से बन जाते हैं, बट पिसा हुआ जो गोश्त है वो बहुत ही बारीक होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी मोटा होगा तो इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। नरगिस कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने पिसे मसालों में 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून मिर्च पाउडर, 1 स्पून नमक एंड 1/2 स्पून से भी कम हल्दी ली है। हल्दी हम कमी यूज़ करेंगे। पीसने के लिए हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 4-5 लहसुन की कली, 1 टुकड़ा अदरक का। इन सभी चीज़ों को मिक्सी में बारीक पीस लेते हैं। चलिए कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ में ही पिसे मसालों को भी ऐड कर देंगे। एक मिनट पकने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में ही हम कोफ्ते भी ऐड कर देते हैं। ये मसाले की भुनाई के साथ साथ ही तैयार हो जाएंगे।
कुछ देर के लिए हम इसको ढक कर रख देते हैं ताकि मसाले की भुनाई अच्छे से हो जाए। ढक्कन खोलकर देखते हैं, आप देख सकते हैं मसाले की भुनाई हो चुकी है क्योंकि इसमें घी छूट चुका है। जब घी छूट जाए तो समझना चाहिए कि मसाले की भुनाई सही से हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हम यहाँ पर एक गिलास पानी ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हम इसमें एक उबाल लाएंगे, बस कोफ्ते तैयार हैं। तैयार होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून से डेकोरेट करेंगे हरे धनिए से। लीजिए, तैयार हो चुके हैं टेस्टी और बहुत ही जायकेदार कोफ्ते। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।